हाय फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी सी किचन टिप्स, अदर यूजफुल टिप्स फ्रेंड्स, जो कि हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी होंगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, उससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के देख लेते हैं कौन सी अपनी पहली टिप जो कि बहुत ही यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट और बहुत ही यूज़फुल टिप्स है इस तरीके के कप को लेकर। अच्छा, बहुत बार आपने देखा होगा कि हमारे नए नए कप जो होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि गिर के उनका जो हैंडल होता है टूट जाता है, फिर हमें उन्हें फेंकने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि कप नया है, इसको क्यों फेंके, क्यों ना इसको किसी तरीके से यूज़ कर लिया जाए। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात ये भी होती है कि टूटे हुए बर्तनों को घर में नहीं रखना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है वास्तु के हिसाब से। लेकिन अगर आप लोग रखना पसंद करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी टिप्स आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। अगर आपका भी कप इस तरीके से टूट गया है तो आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वही टिप्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है हमने, और उसके बाद से हम इसका यूज़ करेंगे इस तरीके से, घर के जो एक्स्ट्रा चम्मच फॉर्क वगैरह जो होते हैं ना, इसको रखने के लिए। अच्छा, चम्मच वगैरह रखने से एक तो ये देखने में सुंदर लगेगा, साथ ही ये यूटिलाइज भी हो जाएगा, और जितना भी एक्स्ट्रा चम्मच वगैरह है वो सब अलग रहेगा, एक ही में मिक्स नहीं होगा, जिसके वजह से आपको जब भी यूज़ करना हो तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और देखिए, यहाँ पे आप जो किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि मार्कर वगैरह हो गया या स्पैचुला वगैरह हो गया, और भी चीज़ें आप इसमें डाल करके रख सकते हैं। तो हमने आपको यहाँ पे चम्मच रख के दिखाया। अगर आपको कुछ और भी अच्छा सा आइडिया आपको पता हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि टूटे हुए कप का किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप किस तरीके से उसका यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, ये टिप्स अच्छी लगी होगी, तो चलिए ऐसी बेहतरीन सी टिप्स एक और देख लेते हैं। अच्छा, बहुत बार प्रॉब्लम क्या आती है, जब लेडीज़ ये हैवी टाइप की जो ज्वेलरी होती है इसको वेयर करती हैं, तो फ्रेंड्स इसमें होता है मांग टीका भी, जिसमें जब मांग टीका को वेयर किया जाता है, यानी कि मांग टीका जब लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि मांग टीका जो है कई बार ऐसा होता है कि निकल जाता है अपना, एक जगह रुकता नहीं है, बहुत ज़्यादा हिलता रहता है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। देखिए, इसको लगाएंगे, ये बार बार हिलता रहेगा तो कई बार ऐसा होता है कि निकल भी जाता है और कई बार नीचे भी आ जाता है, तो बिल्कुल भी हमको ठीक नहीं लगता है। तो इसको किस तरीके से आप फिक्स कर सकते हैं, वही टिप्स आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा टिप्स है फ्रेंड्स। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो यकीन मानिए इस वाली प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। तो इसके लिए करना क्या है, अब देखिए, हमने यहाँ पर एक मांग टिका लिया जो कि है भी है। अच्छा, इसको अब एक जगह फिक्स करने के लिए हमको यहाँ पे यूज़ करना है डबल टेप का। डबल टेप के यूज़ से फ्रेंड्स टीका जो है बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाता, हिलता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कई बार। तो ऐसा होता है, ये तो चलिए आर्टिफिशियल है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम गोल्ड का टीका वेयर करते हैं तो कई बार ये भी डर रहता है कि कहीं निकल करके गिर ना जाए और हमको पता भी ना चले। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए फ्रेंड्स आप इस टिप का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप टीका लगाते हैं तो इस तरीके से डबल टिप की मदद से आप इसको आराम से फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि जो डबल टिप हमने यूज़ किया, जो लगाई है, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है और टीका इससे एकदम फिक्स हो गया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। आप देखिए, मैं आपको हाथ भी हिला करके दिखा रही हूँ तो टीका बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जा रहा है, एकदम अपनी जगह पर है। तो ये टिप्स जरूर आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स। और अगर पसंद नहीं आई है, अगर आप कुछ अलग आइडिया यूज़ करते हैं, यानी कि अलग कोई टिप्स यूज़ करते हैं टीका को फिक्स करने के लिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस तरीके से इसको फिक्स करते हैं। तो चलिए ऐसी बेहतरीन सी टिप्स एक और देख लेते हैं फ्रेंड्स। अच्छा देखिए, टीका तो हम वेयर कर लेते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आती है, जो इस तरीके की हैवी ईयरिंग्स होती हैं ना, इसमें भी कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। अच्छा, दिक्कत क्या आती है, बहुत सारी लेडीज़ जब हैवी जो ईयरिंग होती है इसको पहनती हैं तो उनको कई बार क्या होता है, कानों में खुजली रहती है, जलन जैसा होने लगता है, या फिर वो हैवी ज्वेलरी को ज़्यादा समय तक पहन ही नहीं पाती हैं। थोड़ा देरी पहन के ऐसा लगता है कि कान में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, या फिर कान पकसा गया है, कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक बहुत अच्छा सा टिप्स आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा, किस तरीके से इसको यूज़ करना है, यहाँ पर देखिए, हमने एक बिंदी ली है, थोड़ी सी बड़ी साइज़ की बिंदी लीजिएगा, और उसके बाद से बिंदी को ईयरिंग में इस तरीके से लगा देना है, जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसा ही कीजिएगा। और उसके बाद से फिर जब आप इस ईयरिंग को पहनेंगे फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए आपको जो भी खुजली, जलन, रैसेस, या फिर ऐसा लगता था कि कान पक गया है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। एक बार इसको इस तरीके से यूज़ करके देख लीजिएगा, पीछे का जो डॉट होता है इसमें हमको बिंदी को इस तरीके से लगाना है, तो ये बहुत ही आराम से लग जाता है। तो आप जब भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को वेयर करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है मोस्टली आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ ही आती है, गोल्ड में तो चलो एक बार को चल जाता है कि लोगों को नहीं होता है खुजली या रैसेस, लेकिन आर्टिफिशियल बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप जब भी इसको यूज़ करते हैं हैवी ज्वेलरी को, यानी कि हैवी ईयरिंग को, तो आप इस तरीके से इस टिप को यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको दिक्कत होती है तो।
तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के अब अपनी अगली टिप्स भी देख लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही यूज़फुल है। अच्छा, अगर उससे पहले आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको भी पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ पर देखी जा रही है, यानी कि किसके शहर में देखी जा रही है। तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं अपने शहर का नाम। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी अगली टिप। अच्छा देखिए, इस तरीके के जो टॉयस होते हैं ये तो सभी के घर में होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा डॉगी है। अच्छा, इसको अगर हम इसको वॉश करके डालते हैं, आपने देखा होगा जब हम इस तरीके की चीज़ों को, इस तरीके के टॉयज़ को जब हम लेके आते हैं, तब तो ये बहुत ही साफ़ रहते हैं, बहुत ही क्लीन होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे करके ये बिल्कुल ही डल पड़ जाते हैं, यानी कि इस पर डस्ट बहुत ज़्यादा बैठ जाता है। और अगर हम इसको धो करके, यानी कि इसको वॉश करके अगर डाल देते हैं, तो इसको सूखने में 4 से 5 दिन लग जाता है, यानी कि बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉटन भरा होता है उसकी वजह से ये सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा टिप्स आप यूज़ कीजिएगा अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आती है, अगर आप वॉश नहीं करना चाहते और ये भी चाहते हैं कि अच्छे से क्लीन हो जाए, तो आप इस तरीके के ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। वीडियो में जैसे दिखाया जा रहा है उस तरीके के ब्रश का आप यूज़ करके इस तरीके से जितना भी डस्ट है वो सब इससे झड़ जाता है, जितना भी एक्स्ट्रे रोएं वगैरह या फिर जो भी डस्ट इस पर चिपका होगा वो सब निकल जाएगा आराम से। आप खुद देख सकते हैं कि पहले देखने में कितना गंदा लग रहा था और अभी कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है। तो एक ब्रश की मदद से फ्रेंड्स, आप आराम से इस तरीके की टॉयज़ को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं बिना धोए, क्योंकि धोने की प्रॉब्लम नहीं होती, धोने को तो धो देते हैं लेकिन इसको सूखने में बड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए आप इस छोटे से टिप को यूज़ करके देखिएगा, इसकी मदद से जितना भी इसमें डस्ट होगा वो सब निकल जाएगा, क्योंकि इसके जो रोए होते हैं इस पर डस्ट बैठता है और वो सब आराम से निकल सकता है। तो देखिए, इसको अच्छे से इस तरीके से झाड़ लेना है। अच्छा, अगर इस तरीके का आपके पास ब्रश नहीं है तो जो नॉर्मल टूथब्रश होता है ना, कोई पुराना टूथब्रश हो आपके पास, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इस तरीके का ब्रश नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए ऐसी ही बेहतरीन से टिप्स एक और देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी हमें नेक्स्ट बहुत ही यूज़फुल टिप्स है इस तरीके के जार को लेकर। यहाँ पे जो हमारी टिप्स है फ्रेंड्स, ये जार को लेकर के, अच्छा इस तरीके के जो जार होते हैं तो सभी के घर में यूज़ होते हैं, यानी कि मिक्सी तो सबके घर में यूज़ होती ही होती है, क्योंकि ये हमारे कामों को बहुत ज़्यादा आसान कर देती है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आती है, आपने देखा होगा जब आप जार को वॉश करके, आप चाहे कितना भी अच्छे से जार को वॉश कर लें, वॉश करके जब आप इसको रख देते हैं तो आपने देखा होगा इसमें एक अजीब सी स्मेल बन जाती है, यानी कि मसालों की ही जो स्मेल होती है वो इसमें रह जाती है, वो जाती नहीं है, चाहे इसको आप कितने भी अच्छे से क्लीन कर लें। तो इस ये क्यों प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम इसलिए आती है कि जब आप जार को वॉश करके रखते हैं तो ये प्रॉपर सूखता नहीं है, जब ये सूखता नहीं है ठीक से तभी इसमें से मसालों की जो स्मेल है इसमें रह जाती है, और उसके बाद फिर जब हम इसे नेक्स्ट टाइम यूज़ करते हैं मसाला वगैरह पीसने के लिए, फिर हम उसे सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी सब्ज़ी भी ख़राब हो जाती है कुछ टाइम रखने के बाद ही। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा टिप्स है, इसको आप ज़रूर से आजमाइएगा, इससे आपकी प्रॉब्लम जो है हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, क्या करना है, यहाँ पर देखिए, जब हम रोटी बना लेते हैं उसके बाद से 5-10 मिनट तक तवा जो है ऐसे ही गर्म रहता है, तो जब गर्म तवा रहता है फ्रेंड्स, तो उसको क्यों वेस्ट करना है, उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये हमने पहले की वीडियो में आपको बताया है और आज भी हम बता रहे हैं। तो पहले भी बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर की हैं हमने, प्लीज़ अगर आपने नहीं देखी हो तो वीडियो जाकर के जरूर देखें हमारी। अच्छा, अब आते हैं इस पर। तो इसको तवे के ऊपर जार को रखने से ये बेनिफिट होता है फ्रेंड्स कि थोड़ी देर में जो जार है अंदर से अच्छे से सूख जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, मसाले की जितनी भी स्मेल बदबू जो भी होती है वो आराम से निकल जाती है, जार अच्छे से सूख जाता है, फिर आप जब कभी भी इसको यूज़ करते हैं तो आपकी सब्ज़ी लंबे समय तक सही रहती है, ख़राब नहीं होती है। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आज की किचन टिप्स, अदर यूजफुल टिप्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कौन सी टिप्स आपको सबसे अच्छी लगी वो भी बताएं, और कौन सी टिप्स आपको पसंद नहीं आई वो भी बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।